अस्सलाम वालेकुम ब्यूटी बेस चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करते हैं तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्किन पॉलिश, जो आप घर पे बना सकते हैं अगर आप पार्लर नहीं जा सकते। जैसे कि आज लॉकडाउन है, तो अगर आप पार्लर नहीं जा सकते, एक बहुत ही आसान तरीके से आप घर में स्किन पॉलिश बना सकते हैं और इसके रिजल्ट इतने शानदार हैं कि हर कोई आपसे पूछेगा कि क्या तुमने कौन सा फेशियल करवाया है और कहाँ से करवाया है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो बहुत ही सिंपल सी हैं। ये जी क्यूने का जो है वो डिवेलपर मेरे पास है, मैं क्यूने की ब्लीच यूज़ करती हूँ। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये 20 वॉल्यूम मैंने लिया है, बहुत सारे लोग 10 वॉल्यूम भी यूज़ करते हैं, मैं 20 यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और अक्सर पार्लर्स में भी 20 वॉल्यूम ही यूज़ किया जाता है। और ये साथ इसका क्यूने का ही ब्लीचिंग पाउडर है ये जो इसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके साथ मैंने लिया है सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर, ठीक है। इसके भी हम फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे जो स्किन पे शाइन लेके आएगा। और साथ ही सॉफ्ट टच का सूदिंग लोशन इसमें हम ऐड करेंगे। और एक हम लेंगे वाइटनिंग कैप्सूल और उसके साथ हम लेंगे खुश्क दूध, ठीक है। ये एक चम्मच इसका हम लेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे क्यूने का डिवेलपर। इसका मैं यहाँ पे एक जो चम्मच है वो भर के ले रही हूँ। आप अपने ज़रूरत के मुताबिक लें कि अगर आपने फेस पे करना है, बाजुओं पे, हैंड्स पे करना है, फीट पे करना है, उस लिहाज से आप लेंगे, ठीक है। इसका मैंने 1 स्पून लिया है। ये आपके फेस के लिए और गर्दन के लिए इनफ क्वान्टिटी है। इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लीचिंग पाउडर। और वैसे तो ब्लीच जो है, अगर आप सिंपल ब्लीच कर रहे हैं तो आप इसका जो है वो चौथाई हिस्सा जो है वो आप पाउडर का लेंगे, लेकिन अब इसमें हम सूदिंग लोशन और चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने स्किन शाइनर भी इसमें ऐड करना है, सूदिंग लोशन भी ऐड करना है और खुश्क दूध भी, ठीक है। स्किन शाइनर के मैं सिर्फ 3 ड्रॉप्स यहाँ पर ले रही हूँ। 3 ड्रॉप्स आपने इसमें ऐड कर देने हैं। ये आपकी स्किन पे शाइन लेके आएगा। और स्किन ये जो सूथिंग लोशन है सॉफ्ट टच का, इसके भी आपने 1 से 2 ड्रॉप्स आपने इसके डाल लेने हैं। ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये आपकी स्किन पे रैशेस नहीं होने देगा। और स्किन पे अगर किसी किस्म की जलन होती है ब्लीच से तो ये उससे भी आपको बचाएगा। और उसके साथ ऐड करूँगी इसमें 1 चम्मच जो है वो इसका खुश्क दूध का। खुश्क दूध ब्लीच में ऐड करने से रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं, स्किन पे वाइटनिंग होती है। और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, ये बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट लेके आता है। और ये एक वाइटनिंग कैप्सूल हम इसमें ऐड कर देंगे जो कि आपकी स्किन पे वाइटनिंग इफ़ेक्ट लेके आएगा। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने ये जो सारा मटेरियल है इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका कोई भी ज़रा बाकी ना रहे। क्योंकि अगर ब्लीचिंग पाउडर का अच्छी तरह से हम मिक्स नहीं करेंगे तो ये जहाँ जहाँ पे आपकी स्किन पे लगेगा वहाँ पे ये आपकी स्किन जला भी सकता है। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। और ये ब्लीच जो है ये पर्सनली मैंने यूज़ किया है और बहुत सारी लड़कियाँ इसी तरह से यूज़ करती हैं और रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। सूदिंग लोशन और खुश्क दूध की वजह से ये आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई रैश नहीं करेगा, आपकी स्किन पर जलन नहीं होगी। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है या सूदिंग लोशन आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा जेल जो है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने 20 मिनट तक अपने फेस पे लगाना है और उस दौरान आपने अपनी स्किन से एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लेना है कि किसी किस्म की रेडनेस नहीं है। और इसको 20 मिनट्स लगाने के बाद जब आप इसको वॉश करेंगे तो हमेशा ठंडे पानी से वॉश करें। और इस थोड़ी देर के बाद आप आइस क्यूब्स भी अपने फेस पे लगा सकते हैं। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो आइस क्यूब ज़रूर यूज़ करें उसके बाद। और अगर ये आपको सूट नहीं करता तो आप अपने जो है किसी पॉलर से या किसी से भी अपनी डॉक्टर से, स्किन के डॉक्टर से मशवरा करके आप ये स्किन पॉलिश यूज़ करें। लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। नॉर्मल स्किन वाले, हर तरह के स्किन वाले ये कर सकते हैं और ये घर में बैठ के आप आराम से बना सकती हैं। बस ये 4 चीज़ें आपको चाहिए और ये आप बाज़ार से लेके आएँ। और खुश्क दूध तो बहुत आसानी से अवेलेबल होता है,
तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसको आप ज़रूर अप्लाई करें और इसके रिजल्ट्स आपको क्या मिले हैं वो भी मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मेरी हौसला अफज़ाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।